फोन निकालिए सभी। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, एक एक करके सभी शब्दों के बारे में हम जानेंगे। जिनको हम पहले से जानते हैं उन पर हमें सही का निशान लगाना है। दूसरा है समूह में बातचीत के बाद जाना। इसके बाद जो हमने ग्रुप बांटे हुए हैं उसमें बातचीत करनी है और इनके अर्थ को जानना है जिनको नहीं जानते, फिर उसके बाद उनका अर्थ लिख देना है सभी का अंत में, ठीक है। तो इसके उत्तर भी आपको भी देना है, ठीक है, जो आपको जानकारी में हो। पहला हमारे पास जी, तो आप बताएंगे ये क्या लिखा बेटा। हाँ बताओ ना, अनोखी। कितने बच्चे जानते हैं अनोखी के बारे में? काफी बच्चे जानते हैं। कौन बताना चाहेगा आप पढ़ करें जी? चलिए आप बताइए। अनोखी मतलब जैसे हमने अभी तक नहीं देखी उस चीज को, पहली बार देखे, अलग अलग चीजें, अलग अलग जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसे खास थी, कुछ खास कुछ अलग। हाँ बताइए, कोई अलग से बता दे। बैठते रहिए, ठीक है, बैठे बैठे बोलो। सर सामान्य चीजों से अलग, सामान्य से अलग, अनोखी हो गया, सभी को पता लग गया, जान गए ना, है ना। जैसे हमारी क्लास में रोज जो हो रहा है एक सामान्य तरीके से पढ़ाई हो रही है, एक दिन क्या होता है अचानक कि कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ अलग खेल हो जाता है, कुछ एक्टिविटी होने लगती है, तो वो क्या हो जाता है, मान लो वो चीज कभी हुई नहीं तुम्हारी क्लास में। वैसे तो अक्सर हम एक्टिविटी करते रहते हैं, इससे पिछली जो क्लास थी आपकी उसमें भी एक्टिविटी हुई थी, हुई थी ना? Yes, sir. कल भी हमने की थी। लेकिन उनसे भी हटते कुछ अलग हो जाए जो कभी ना हुआ हो, वो क्या हो जाएगा? अनोखी। हाँ ठीक है, अगला इसके बाद ये मैंने क्या लिखा हुआ है मैं जानना चाहूंगा आपसे। हाँ ये मैंने क्या लिखा हुआ है, है? चारों। अब इसके बारे में कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करिए, बैठे बैठे बैठ करिए। हाँ आप बताएंगे। चारों के नाम दीवार है। हाँ चारों दीवार है, ठीक है। आप बताइए। कोई चार चीजें आप भी बैठे बैठे बताइए। कोई सर जी मतलब जो घिराओ चारों दिशाओं से। चारों दिशाओं से, दिशाएं भी तो चार हैं, हैं? आप भी बैठे बैठे बताइए। चार स्टूडेंट, चार चारों भाई, चार चार अध्यापक, चार अध्यापक, तो सभी जानते हैं, है ना। अगला है ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, एक मिनट इसे पढ़ेंगे सबसे लास्ट। हाँ है घने, इसके बारे में कौन कौन जानता है? हथकड़ा लगभग सभी जानते हैं, तो इसे बताएंगे आप। बैठे बैठे बताइए। घने जंगल, और कोई? हाँ बताइए। घने बादल, घने बादल, आप बताइए। हाँ बताइए, घने बाल। हाँ और कोई? सर जी मतलब जो फैला हुआ घने हो, मतलब एकदम बढ़ गए हो। हाँ घने हो फैले, मतलब क्या होता है जैसा जंगल का उन्होंने उदाहरण दिया, तो जंगल में पेड़ है भाई, ये तो सिंगल एक पेड़ हो गया, इसको हम घने बोलेंगे, लेकिन यहीं पे और भी पेड़ हैं, ठीक है। ये पेड़ है यहाँ पे और ये बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो क्या हो जाता है ना।
अभी बहुत एक ही छोटी कम जगह पे बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगला देखते हैं कि ये क्या है, नहीं इसको पढ़ेंगे ये साई। तो अब आज बताएंगे, आप बताइए वो छाया हो गई, छाया। आप बताइए वो छाया सर, कोई भी चीज फैली हुई एक जगह में, एक जगह पर फैली हुई, समझ में आया। हम बोलते हैं हाँ वही वही वही, हम बोलते हैं कि आज आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, छाए हुए हैं, क्या घने बादल छाए, ऐसा तो है नहीं, वैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, सभी जान रहे हैं। लेकिन वही चीज है कि घने फैलना, पूरा फैले हुए। अगला ये, इसको पढ़ेंगे, एक मिनट आप बताइए, रंग बिरंगे, बैठिए बेटा, बैठो ना, खड़े कैसे हो, हाँ। अब इसका अर्थ बताएंगे, सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, सभी को बताया, आप भी बोलिए, रंग बिरंगे फूल, आप बताइए, रंग बिरंगे कागज, आप बताइए आगे, रंग बिरंगी चिड़िया, आप बताइए, रेनबोज, और सबसे लास्ट में लास्ट क्या करो, ताहन बढ़िए, अच्छा अच्छा रंग बिरंगी टी शर्ट, अरे वाह क्या बात है, आप बताइए, रंग बिरंगे, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, यानी कि बहुत तरह के रंग, बहुत तरह के रंग, रंग बिरंगी मतलब जिसमें बहुत सारे, मतलब एक साथ सारे रंग हो, बहुत तरह। बेटा सुनिए तरह में, रंग बिरंगे तो आपने सब कुछ गिना दिए, ठीक है, मेरी टी शर्ट भी नहीं छोड़ी है ना, मतलब जिसमें बहुत सारे रंग हो वो क्या होता है, रंग बिरंगे। अगला है ये, अब इसको पढ़ेंगे, हाँ आप पढ़िए, सबसे झरने, हैं झरने, झरने, कौन कौन जानता है इसका अर्थ, हैं चलो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, उसको तो हम पूरा ही एक्टिविटी, बहुत बढ़िया वाली एक्टिविटी होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, हाँ। तो इसके बारे में कौन कौन जानता है जी, पहाड़ों से पानी गिर रहा है झरने, आप बोलिए बैठे बैठे, अच्छा आज नीचे भी गिर रहा था, पाइप लगा रखा था ऊपर, झरना हो गया, किसमें डैम में पानी गिरता है, अब किस किस ने झरने देखे हुए हैं, अरे वाह अपने सामने, बहुत सारे हैं यार, एक मिनट सबसे पूछेगा भाई, सबकी कहानी सुनेंगे, पहले तुम्हें बताओ, चलो टीवी में, अब टीवी वाले हाथ खड़े करना, जिन्होंने वैसे लाइव देखा हुआ है वो हाथ खड़े करो, अब कम हो गए, और टीवी वाले तो एक ही बार में सब खत्म करवा दिए हमने यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, सबको मौका मिलना चाहिए, पहली बार रख रहे आपने, हरिद्वार में झरना है, जगह है, चलिए बैठिए, आपने केदारनाथ में गए हो, केदारनाथ गए हो, क्या बात है, अपने भाई के साथ, भाई कितना बड़ा है, अरे भाई बोध गया में भी झरने हैं, देखो अभी तक है तो उत्तराखंड की बात कर रहे थे, अब बिहार की बात आ गई, हाँ ये नया, और कौन है, आपने क्या देखा, नैनीताल, आपने नैनीताल,
नीचे कर लो। दो मिल गया मुझे। आपने देहरादून में कहाँ पे? अच्छा ठीक है, बताइए। वैष्णो देवी। और आपने? वैष्णो देवी आपने उत्तराखंड में देखा? उत्तराखंड में देखा है वैष्णो देवी में। हाँ तभी तो टीवी में देखता रहा था, अब कहाँ देख लिया? ऊनागिरी। ऊनागिरी ठीक है। तो भाई अधिकतर ने झरने देखे हुए हैं, अधिकतर ने झरने देखे हुए कहाँ के? हरिद्वार, नैनीताल, केदारनाथ, यानी कि उत्तराखंड के। वैष्णो देवी दोनों वैष्णो देवी गए, बोध गया एक बिहार गया। देखो बिहार में भी है। हाँ वैष्णो देवी वही तो कह रहा हूँ। चलिए अगला बेटा, अब चले जाओ ध्यान। अगला है सड़क। पता है मैंने पहले पढ़ दिया। हाँ इसका मतलब कौन कौन जानता है, इसका अर्थ जो जानता हो। हाँ बताइए। अच्छा कंचा टेबल का लगा वो सड़क क्या? हाँ बताइए। हाँ बैठते बैठते पेन सड़क गया। अच्छा पेंसिल पेन की सड़कता भाई, पेंसिल सड़क गया ठीक है। हाँ अभी सर जी मतलब कोई चीज अपनी मतलब पोजीशन मतलब अलग मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। अच्छा ये तो पूरा साइंस में आ गया। और तो कोई नहीं अच्छा है सर, कोई चीज सर सर का। हाँ अगर अपनी जगह से जब कोई चीज मिल जाए तो उसे कैसे? हाँ खिसकना ठीक है, सड़कना यानी खिसकना। अगला देखो गुनगुनाने। अरे सभी जानते होंगे इसका मतलब। अब कितने जानते हैं, हाथ खड़ा करें जरा। अरे वाह। तो भाई अब थोड़ा अलग टास्क है बेटा, अलग टास्क है भाई। यहाँ पे जो सबसे पीछे वाला है ना, ये वाला इधर टीवी वाला। हाँ हाँ भाई ब्लैक बात। नहीं गुनगुना जाओ, गुनगुना अलग है। अब गुनगुनाते हुए एक गाना गा लो। नहीं कोई बात नहीं, कोशिश करो। हाँ कौन गुनगुनाएगा? ये क्या नाम है? नेगी पढ़ो। मनी मन गुनगुनाना। अरे मैंने ये नहीं कहा कि क्या है अर्थ, मैंने कहा केवल आपको गुनगुनाना है। अब गुनगुनाओ जरा। हाँ हाँ गुनगुना लो, तुम्हें गुनगुना लो यार। अरे नहीं गुनगुनाना है। अरे उसे क्यों मार रहे हो? गुनगुनाओ एक गाना गाओ। कौन गाएगा? आ जाओ जरा सामने। अरे जल्दी आओ यार, देर हो रही, फिर क्लास लेट हो जाएगी। बैठी बैठा कोई है ऐसा? ठीक है नहीं है गुनगुनाना समझते हो? हाँ आसमान। ये क्या है? आसमान। सबको पता है इसके तीन पर्यायवाची बताओ जल्दी। सर जी आवाज नहीं। एक मैंने कहा, मैंने क्या कहा? केवल हाथ खड़ा करो, मैं आपसे आपको पूछूंगा ठीक है। जिसको बताना है हाथ खड़ा करके। अब बताइए। अब जिसका आकाश हो हाथ नीचे कर ले, उसके अलावा कुछ है तो बताओ। अब बताओ। अंबर बैठिए, गगन बैठिए, नभ बहुत बढ़िया, और बादल। बादल क्या? बादल तो आसमान में होते भाई। आसमान और कोई? अच्छा हाँ अंडर है अंडर। अंबर अंबर बोलो। अंबर मेरे अंडर बोल रहा अंडर। नहीं
अंबर होगा, चलिए तो ये हमने इस पर चर्चा कर ली है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि आप इस पाठ का नाम क्या क्या है भाई, इस कहानी का नाम ये है अनोखी बारिश। तो यहाँ बारिश तो होती रहेगी, जब कहानी शुरू होगी तो पता चल जाएगा इसमें है क्या, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि कुछ अनोखी चीज आपके साथ भी हुई कभी कभी, रास्ते में चलते, घर में, क्लास में, बताइए। अच्छा, मतलब चलते चलते सड़क पे 500 रुपए पा गए, एक अनोखी चीज होगी क्योंकि 500 के नोट पे किसकी नजर छूट गई है। बहुत बढ़िया। हाँ, आपके साथ क्या अनोखा हुआ? सर एक बार मैं जा रहा था कहीं, सर बारिश हो रही थी, पर सर बस 1 किलोमीटर आगे देखा वहाँ बारिश नहीं हुई, बारिश हो ही नहीं रही थी सर। ये अनोखी चीज थी, ये बारिश हो रही है, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, ये अनोखी चीज थी भाई। गेम में होता है, गेम की बात मत करो, रियलिटी की बात करो। और सुनो सुनो कहानी। अच्छा, धूप भी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, ये दोनों की चीज बैठी है, आप बताइए। सर एक साइड वो धूप और थी, एक साइड छाव थी। एक साइड धूप और एक साइड छाव। हाँ सर, ये तो बादल लग गए होंगे सर, पता नहीं। या फिर सर बहुत लंबा था वो, बहुत लंबा था, फिर बादल ही रहेंगे। हाँ चलो, आपके लिए तो अनोखी थी, बहुत लंबा दिखा आपको तो। आईटीओ के पुल पे आधी जगह बारिश थी और आधी जगह सूखा पड़ा हुआ था, है ना? मैंने भी देखा है एक बार, सही कहा, वहां भी देखा है। और एक बार सर हमारे गांव में सर बारिश की जगह सर ओले ओले गिर रहा है सर, जैसे बर्फ जम रखे सर। अच्छा, जैसे बर्फ जमी हुई है ऐसे ओले पड़े हुए थे? यस सर। क्या बात है। अच्छा, और मैंने कहा बर्फ में खेल रहा तो हम पहुंच गए हिमालय। और किसी के साथ? चलिए इसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप सभी से अलग अलग कहानी अनोखी चीज आपके साथ जो घटनाएं घटी उनको जाना, इन पर हमने चर्चा की, ठीक है। और मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। यस सर। समझ गए ना? यस सर। चलिए